नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Get out from my sight. मैंने कहा ना कोई फायदा नहीं। एक मिनट सैम, मुझे बात करने दो। सागर, ये क्या हो रहा है सब कुछ? ये इसी लायक है, इसकी गलतियों का जिम्मेदार ये खुद है। मैं कुछ नहीं कर सकता। सेठ जी, ये मॉरल साइंस का लेक्चर देने का वक्त नहीं है। ईमानदारी का झंडा अगर पकड़ के रखा तो इसकी जान चली जाएगी। कुछ भी हो सकता है। वी ऑल हैव टू हेल्प हिम। ट्राई एंड अंडरस्टैंड सेठ जी, वी हैव टू हेल्प हिम। अरे कहां से लाऊंगा इसके $50 million? अगर मेरे पास लिक्विड कैश होता तो मैं दे देता, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है। उसके लिए मुझे वक्त लगेगा। आरव, ना ही मैंने तुझसे कभी पैसे लिए हैं ना कभी लूंगा। मेरे भाई की जान बचाइए, इतना ही काफी है। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? सेठ जी, वी आर फ्रेंड्स। स्टॉप दिस यार, स्टॉप दिस ब्लडी बुलशिट ऑफ फ्रेंडशिप। वो लोग और इंतजार नहीं करेंगे। अगर उनको अपना पैसा नहीं मिला तो आई एम डेड। डू यू हियर दैट? आई एम डेड। किस्मत अच्छी थी जो बच गया। हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा हमें? क्या करना होगा हमें? Do you have a damn plan? Yes, भाई, I have a plan, जिसमें हमें बहुत पहले चलना चाहिए था। Lady in blue, सचिन, सचिन, वाह सेठ जी वाह। इतने महीनों से मैं पूछ रहा हूं, मुझे नहीं बताया, मुझसे झूठ बोलते रहे सेठ जी। क्यों सेठ जी, क्यों? Why? I'm sure सेठ जी, आपके पास अपना कुछ कारण होगा, पर फिलहाल हमें समुद्र के अंदर जाके ट्रेजर को लेके आना है और सैम की मदद करनी है। एंड आफ्टर दैट गाइस, वी ऑल बी रिच, विल बी रिच, विल बी हैप्पी। कम ऑन सेठ जी, लेट्स गो सेठ जी। सेठ जी, सेठ से अपना ही घर समझ, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। डोंट वरी, यू सेफ हियर। मैं कोशिश करता हूं जल्दी से पैसों का इंतजाम करने की। नहीं आरव, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता हूं। यहां रहूंगा तो कभी ना कभी वो ढूंढ लेंगे। मुझे ये आइलैंड छोड़ के जाना होगा। डोंट बी स्टूपिड। कब तक भागे और कहां तक भागेगा? दुनिया के कोई भी कोने से तुझे ढूंढ सकते हैं। फॉर देम, व्हाट डू यू थिंक इट्स गोना बी डिफिकल्ट टू फाइंड यू लाइक दिस? ऐसे ढूंढ लेंगे तुझे। तो मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं मैं? कुछ नहीं, मैं सेठ जी से बात करता हूँ। आई विल ट्राई एंड कन्विंस हिम। अगर वो मान गया तो आज ही चलते हैं। विल गो फॉर द ट्रेजर हंट नाउ। भाई कभी नहीं मानेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है, है ना? क्या हम दोनों खजाना खुद नहीं निकाल सकते? मुझे रफली पता है कि कहाँ है, और आपके पास इक्विपमेंट है। वी कैन डू दिस आरफ। ग्रो अप मैन, जस्ट ग्रो अप। लुक देयर, वहां देखो, क्या लगता है समुद्र का कलर क्या है? ब्लू, राइट? रॉन्ग, लाल है। द कलर ऑफ ब्लड। बहुत लोगों का खून बहाए यहाँ। बिना अपना खून बहाए सिर्फ तुम्हारा भाई है जो ट्रेजर को ला सकता है। Because he knows the ocean like a pack of his hand. वैसे भी कभी अंदर जाने की कोशिश मत करना, अपनी जान का वो बैठोगे। But I know him, Arif. भाई कभी तैयार नहीं होंगे, कभी नहीं। होगा। आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से नहीं।
रिलैक्स सागर, इतने परेशान मत रहो, हम किसी ना किसी तरह सैम को इस मुसीबत से निकाल लेंगे। We'll get him out of this mess. Surprise! साहब हम बात कर सकते हैं, होगी बातचीत। नाउ लेट मी गन टॉक, ओके? अभी जी को बैंकॉक का हेलो पसंद नहीं आया? बकवास बंद करो, क्या चाहिए तुम्हें? सैम, तुम्हारा भाई। सैम ने तुम्हारा क्या किया? उससे पूछ कहां मेरे $50 million। तुम्हें जो करना है कर लो, सैम तुम्हें नहीं मिलेगा। घंटे $50 million या सैम। मेरे पास एक रास्ता है, आई नीड अ गन। I'm gonna kill those bastards. सैम, ना तू जानता है ना हम जानते हैं कि वो लोग कौन हैं, उनकी ताकत क्या है, कहां तक उनकी पहुंच है। अब... और कोई रास्ता है आरव? निकी को मार दिया, मोना को मार देंगे, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम सब समुद्र के नीचे चले जाएंगे। I have to go. सरकार, याद है तुमने कहा था कि पैरों के नीचे से जमीन हट जाए तो जमीन हट गई है सरकार। अब सेठ जी एक ही लेडी हमें बचा सकती है, लेडी इन ब्लू। भाई और कोई रास्ता नहीं, ऐसा कौन सा डर है, कौन सा डर है जो हमारी मौत से भी ज्यादा डरावना है भाई? हाँ, डैड की मौत। डैड की मौत मेरी वजह से। डैड एक मरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट डाइवर्स। डूबे हुए जहाजों को ढूंढ निकालना उनका पेशा ही नहीं, शौक भी था।
उस दिन जब वो एक ऐसे ही मिशन पे निकले तब मैं जिद करके उनके साथ चला गया। पैराडाइज कोव एक ऐसी अनोखी जगह है जहां समुंदर और जमीन मिलते भी हैं और नहीं भी, जहां हर कदम पे मौत का पहरा है, जॉज ऑफ डेथ। वहां पर हमें एक और डूबा हुआ जहाज दिखाई दिया, लेडी इन ब्लू, जिसकी कहानियों के किस्से मेरे डैड से सुने थे, वो आज हमारे सामने थी। अचानक डैड को वहां एक अंगूठी मिली। उन्होंने उस अंगूठी को अपने पास रख लिया। फिर हम आगे बढ़े। तभी मुझे एक सोने का जेवर नजर आया। मैं उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। जल्दबाजी में मेरे टक्कर से एक लोहे का बीम गिरने लगा। मैं उसके नीचे दबी जाता, लेकिन डैड ने मुझे बचा लिया और खुद उस बीम के नीचे फंस गए। हमने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और ऑक्सीजन लेवल दिखाकर कहा कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले मुझे वापस जाना चाहिए। उन्होंने वो अंगूठी मुझे दी और देकर कसम दी कि मैं इस खजाने का जिक्र किसी से ना करूं। डैड की ना तो मैं कोई मदद कर सका और ना ही उनकी जान बचा सका। मेरी एक गलती डैड के लिए जानलेवा साबित हो गई। मैं फिर उस जगह कभी नहीं गया, कभी नहीं। उस ट्रेजर ने डैड की जान ली, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। I'm sorry, सेठ जी। अपने पिता की मौत का गम तो जिंदगी भर सहता रहा। And for that, you were not even responsible. लेकिन सैम और मोना के साथ जो होने वाला है उन्हें तुम बचा सकते हो, कुछ कर सकते हो तुम। हमारे पास 24 घंटे हैं।